लखनऊ में धरने पर बैठे पूर्व विधायक राकेश प्रताप को पुलिस ने उठाया। गांधी प्रतिमा पर चार दिन से धरने पर बैठे थे विधायक राकेश प्रताप सिंह। आज मुखबा गांव पहुंचेगी मां गंगा की डोली। शुक्रवार को विधि विधान के साथ बंद हुए मां गंगा के कपाट। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे के बाद सियासत शुरू। कांग्रेस ने पीएम के दौरे पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने पीएम के दौरे को राजनीतिक बताया। लक्सर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। गन्ना भुगतान और किसानों की समस्याओं को लेकर मौन व्रत पर बैठे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे से पहले एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में लिया तैयारियों का जायजा। 13 नवंबर को आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। मथुरा में भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर को तोड़कर बस ने कार को टक्कर मारी। मां बेटे समेत 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। अमरोहा में दबंग युवक ने की महिला की पिटाई। पिटाई के बाद महिला की हालत बिगड़ी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जालौन में अज्ञात कारणों से घर में आग लगी। घर में आग लगने से रखा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। मुरादाबाद में बुजुर्ग महिलाओं के साथ एसडीएम ने किया डांस। वृद्धा आश्रम में एसडीएम ने किया डांस। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संपत्ति के विवाद में बेटे ने की थी बुजुर्ग पिता की हत्या। आरोपी बेटे से पूछताछ जारी।